वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी सफलताओं की तरफ एक एक कदम प्रतिदिन बढ़ रहे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर गणित का दूसरा भाग। जैसा कि आपने देख लिया है, आपकी अगली बैच चल रही है, इसके पहले आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है और आपको सिस्टमेटिक तरीके से व्हाट्सएप पर सारी लिंक को भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा, ठीक है ना, जो नंबर दिया गया है इस पे कांटेक्ट करिएगा, आपको भेज दिया जाएगा। डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की क्लास में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लगभग में ढेर सारे चैप्टर हो गए, खत्म होने के कगार पे है। लेकिन जो पहला होता है गणित का इतिहास, इसको हमने छोड़ दिया था क्योंकि हमें मजा नहीं आ रहा था इतिहास में। एक बात मैं आपको बता दूं, साइंस की चीजें पढ़ने में हमें बहुत इंटरेस्ट होता है, मैथ में भी होता है, बट अगर इतिहास के बारे में पढ़ा जाए तो बिल्कुल मजा नहीं आता है। जो हो गया सो हो गया, उससे क्या मतलब। लेकिन हमारे यहाँ ये जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि परीक्षाओं को पास करने के लिए इतिहास जानना जरूरी होता है और हम तो यकीन नहीं रखते इतिहास में और ना इतिहास से कोई हमें इंटरेस्ट होता है। लेकिन फिर भी हम लोग आज देखेंगे गणित का इतिहास कि गणित जो हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, बोलते हैं मैथ आसान है, बहुत से लोग को बहुत मैथ बहुत प्रॉब्लम करती है, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया तो हार गए, ठान लिया तो जीत गए। तो आपको मानना नहीं है, ठान लेना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भारत में गणित का संक्षिप्त परिचय। गणित अपने अपने यहाँ की अलग अलग होती है। अब ये नहीं जरूरी कि जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वही अमेरिका में भी होगी, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ सिस्टम जो है हर जगह के अलग अलग होते हैं। जैसे आप यहाँ पर जो लाख बोलते हैं उसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मिलियन कहा जाता है। जैसे अगर आप 10 लाख लिखते हैं तो 10 लाख बराबर जो है वो 1 मिलियन होता है। तो ये अमेरिका में कोई लाख या करोड़ नहीं बोलता है, या ब्रिटेन में कोई लाख करोड़ नहीं बोलता है, मिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर जगह की अपनी अपनी बात होती है। इसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। इंटरनेशनल मतलब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जो दूसरे देश में भी चले, यानी ऑल वर्ल्ड में चले। तो देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारतीय गणित के इतिहास का प्रारंभ कब हुआ था, आपसे डीएलएड की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारतीय गणित का शुभारंभ कब से माना जाता है, किस वेद से माना जाता है। तो आप जानते हैं भारत जो है हमारा इंडिया, ये ऋषियों मुनियों की धरती है, यहां पर वेदों और पुराणों का बहुत ही महत्व है ना। तो उन्हीं में से एक जो बहुत ही सम्मानित वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद से गणित का शुभारंभ माना जाता है। अब आप जानते होंगे ऋग्वेद कब शुरू हुआ था, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि यहाँ हम आपको संस्कृत या हिंदी तो पढ़ा नहीं रहे हैं कि इस वेद के बारे में व्याख्या करेंगे। आप इसके बारे में समझ लीजिएगा, हमारा जो मतलब था हमने आपको बताया। इस क्लास को पूरा देखिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। और थोड़ा सा रुकिएगा क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है, लाइट वगैरह कट रही, इन्वर्टर वगैरह भी नहीं आने, कुछ गड़बड़ चल रहा है। मित्रों देखिए कुछ समस्या हो जाती कभी कभी बीच बीच में। हाँ, तो इसके बाद हम बात कर रहे थे गणित की शुरुआत कब हुई थी, ये हो गया। अब काल एवं उनका परिचय, आपने इतिहास में देखा होगा बाबर कब आया, अकबर ने कब तक शासन किया, उसका भी एक काल होता है ना। हिंदी में आपने पढ़ा होगा रीतिकाल, वैदिक काल, भक्ति काल, बहुत से काल होते हैं जिनमें कवियों के परिचय आपने देखा होगा, है ना। उसी तरह से गणित में अब हम देखते हैं वही काल का नाम ये भी होगा, कोई इसमें अलग नहीं होगा, आदिकाल। आदिकाल क्या होता है, देखिए आदिकाल में दो भाग होता है, पहला होता है वैदिक काल और इसका दूसरा भाग होता है उत्तर वैदिक काल। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, वैदिक काल मतलब पहले का, उत्तर वैदिक काल मतलब उसके बाद का, यानी कि जो आदिकाल है वो 500 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ईसा पूर्व क्या होता है, कहीं कहीं लिखा होता है ईसवी और कहीं कहीं लिखा होता है ईसा पूर्व। तो ईसवी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, और ईसवी मतलब ईसा मसीह के ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। जैसे अगर हम मानते हैं ये ग्राफ देखिएगा, थोड़ा ये हल्का चल रहा है, एक मिनट रुकिएगा, ये है ना, मानते हैं ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे हुआ था, मतलब इस बीच में हुआ था, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ था।
तो जो इसके पीछे का समय होगा, जैसे यहां पर हमने लिख दिया 500, ये 300, 200, इसके आगे का समय 2019, इसका मतलब क्या हुआ? 500 ईसा पूर्व का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, और 2019 का मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2019 साल बाद, समझ गए ना? और 500 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले, समझ गए? ईसवी और ईसा मसीह का मतलब समझ गए, ओ सॉरी, ईसा पूर्व, ईसवी और ईसा पूर्व का मतलब समझ गए। तो 500 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले। आप सभी जानते हैं ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह सभी के लिए आदरणीय हैं, तो उन्हीं के आधार पर भारत में ये टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है। हाँ, तो बात करते हैं वैदिक काल। ध्यान दीजिएगा, आपसे इसमें ऐसे सवाल आता है कि आदिकाल के कौन कौन से दो भाग हैं या फिर उनका समय क्या है। तो आदिकाल के दो भाग हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आप कहेंगे ये गणित और हिंदी, इसमें ये सब कहाँ से आने लगा, ये तो गणित की क्लास है, यहाँ इतिहास और हिंदी कैसे आ गई? जी बिल्कुल, आप डीएलएड की क्लास में पढ़ेंगे तो आपका गणित का इतिहास बताना होगा। वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। समझ में आ गया? अगला देखते हैं, तो उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल क्या होता है? ये 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक उत्तर मध्यकाल जाना जाता है। अभी आगे से हम हट जाएंगे, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना? अगर आप लोग चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, बनेगी तो, अभी बनी नहीं है, लेकिन अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तभी आपको मिल सकती है। अगला है आपका मध्यकाल। मध्यकाल क्या होता है? 400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक, ये टाइमिंग है, तो आप लोग इन्हें नोट कर लें, हम आगे से हट जाते हैं। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग पढ़े लिखे हैं जानते हैं स्क्रीनशॉट क्या होता है, ठीक है? अगर जो लोग स्क्रीनशॉट लेना नहीं जानते वो लोग नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे, हम उनको बता देंगे, तो इसको कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी करें। हो गया, यहां तक तो आपने देख लिया, अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, तीन तक आपने देख लिया, चौथा है आपका उत्तर मध्यकाल, और पांचवा है वर्तमान काल। वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम जो है। तो उत्तर मध्यकाल का समय क्या है? 1200 ईसवी से लेकर के 1800 ईसवी तक को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, और वर्तमान काल 1800 ईसवी के बाद का जो समय है उसे वर्तमान काल यानी प्रेजेंट का समय कहा जाता है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे चलने वाले हैं, किस काल में गणित की कौन सी खोज हुई थी? आपसे परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि आदिकाल में कौन कौन सी गणित की महत्वपूर्ण खोज हुई थी, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि शून्य का आविष्कार किस काल में हुआ था। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है शून्य का आविष्कार, है ना? तो एक बात याद रख लें, आदिकाल में जो आविष्कार हुए थे उनमें क्या क्या हुए थे? इस काल में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित अच्छे तरीके से स्थापित हो चुकी थी। मतलब कि आपकी ये जो भी प्रॉब्लम वाली मैथ है ये सब आदिकाल से ही शुरू हो चुकी थी, समझ गए? आगे देखिएगा, शून्य का आविष्कार जो है वो कब हुआ था? आदिकाल का दो भाग है, एक वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल के अंतर्गत शून्य दशमिक स्थानीय मान, मतलब शून्य का आविष्कार, स्थानीय मान का आविष्कार, और जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न, अभी इसको इंग्लिश में भी बताएंगे, और वर्ग घन वर्गमूल दशमिक स्थान पद्धति का प्रारंभ हो चुका था। इतना ही नहीं, पाइथागोरस की प्रमेय का भी प्रारंभ वैदिक काल से ही हुआ। अगर कहीं ऑप्शन में आदिकाल भी है तो आप आदिकाल ही सही लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आदिकाल के ही ये छोटे बच्चे हैं जो वैदिक काल हैं। इसको एक प्रकार से समझ लें कि आदिकाल के दो पुत्र हैं, एक वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो जहां पर आपका नाम नहीं आता है बहुत सी पुरानी बातों में या बहुत से पुराने चर्चे में, वहां पे आपका पापा का नाम यूज होता है, आप सभी जानते होंगे, है ना? तो उसी तरह से अगर कहीं भी ऑप्शन आपको कंपटीशन में आता है कि शून्य का आविष्कार कब हुआ था, उसमें वैदिक काल नहीं है तो आदिकाल आप लगा सकते हैं। समझ गए? क्योंकि
क्योंकि ये इसी का भाग है। चले आगे देखिए, इंग्लिश में बताएं तो जीरो जानते ही हैं, जीरो हिंदी में कहा जाता है, शून्य जो है इंग्लिश में होता ही है। और भी कुछ बोलते हैं क्या इसे, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, जोड़ जिसे योग लिखा जाता है, योग मतलब वो कसरत नहीं रामदेव वाला, जोड़ जिसको जोड़ते हैं एडिशन, घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन, फ्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के साथ साथ प्लेस वैल्यू और डेसिमल नंबर वगैरह का जो है इसी काल में खोज हो चुकी थी। और भारत से ये पद्धति होते हुए पश्चिमी देशों में गई, ठीक है, पश्चिमी देशों में पहुंची और जहां पर इन्हें हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? हिंदू अरबिक न्यूमेरल नाम दिया गया। आप जानते होंगे क्या जानते हैं, ये जो नंबर लिखा जाता है 9 लिख दिया, 5, 2, 7, 1 कुछ भी लिख दिया, इसे हिंदू अरबिक न्यूमेरल बोला जाता है। बोला जाता है हिंदू अरबिक न्यूमेरल, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। एक हिंदी में नंबर होता है, एक इंग्लिश में होता है, आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। एक दशमलव संख्या पद्धति में होता है, दशम मतलब दशमलव में होता है, एक द्विआधारी संख्या पद्धति होता है। तो कमेंट करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। फिलहाल इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी होता है, इसको हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें आज की क्लास में लगभग आप सारे टॉपिक क्लियर कर लिए होंगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। मित्रों इंटरनेट की समस्या आज के दिन से हो सकता है लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज भोलेनाथ जी की महाशिवरात्रि का जो है वो शुरुआत हो चुकी है, एंड भी होने वाला है। शिवरात्रि के बाद जो है प्रयागराज में अर्ध कुंभ का जो मेला है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भीड़ वगैरह कम हो जाएगा, फिर सभी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियाँ थोड़ा सा सांस लेंगी और अच्छे से इंटरनेट चलेगा, फिर आपकी लाइव क्लास होगी। इसी वजह से आप देख रहे हैं 49 दिन के लगने वाले इस अर्ध कुंभ में प्रयागराज में इंटरनेट की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही, चाहे कोई भी हो। अब कुछ लोग यहाँ से होंगे बोल रहे होंगे भाई हमारे में तो चलता है, झूठ बोल रहे हैं। चलने का मतलब ये नहीं, आप गाना प्ले कर सकते हैं, यूट्यूब पे सॉन्ग बजा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सफरिंग कर सकते हैं, बट जो क्लास चलती है ना उसमें अपलोडिंग स्पीड लगती है, डाउनलोडिंग नहीं। आपकी तरह गाना अगर बजाना यूट्यूब में तो चलता है, वो बात नहीं, वीडियो चलेगा, लेकिन अपलोडिंग स्पीड नॉर्मल है, बहुत कम है, इस वजह से लाइव नहीं हो पा रही है। जो लोग दूर से हैं उनको तो मालूम होगा, उनके यहाँ तो चल रहा होगा, इंटरनेट यहाँ पे इतना स्लो चलता है जितना गाँव में भी नहीं चलता है। तो ये प्रॉब्लम उम्मीद करते हैं आज से दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, चलते चलते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ एक काम और, अगर आप और भी क्लास चाहते हैं आगे तो चैनल को नीचे रेड कलर में बटन बनी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं चाहते हैं तो फिर जाने दीजिएगा। और हाँ इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ये हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी कि अपने मित्रों में शेयर करके तब जाइएगा। अगर बीच में कहीं एड वगैरह आ जाता है एक आध बार तो आप लोग आगे देखा करें, तब भी क्लास छोड़ ना दिया करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और इन्हीं बातों के साथ महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।